हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको 2.5 मीटर कपड़े में से पटियाला सलवार बनाना बताएंगे, जो कि हमारा कॉटन का कपड़ा है। आज हम आपको कॉटन के कपड़े में से बताएंगे, जैसे कि हम क्रॉप के, सैंटून के, बहुत सारे कपड़ों में से बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको इसमें से कॉटन के कपड़े में से बनाना बताएंगे। जिसके लिए हमारा जो ये 2.5 मीटर कपड़ा है, इसको हम खोलेंगे और इसमें से अपनी बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे और बेल्ट के हिसाब से इसे कट कर लेंगे। यहाँ से अभी देखिए, मैंने निशान लगा के यहाँ से इस बेल्ट को कटिंग कर दिया है। अभी देखिए, जैसे हमारी बेल्ट की लेंथ है वो तैयार रहेगी 7 इंच, उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो कि हमारा इस तरीके से नाड़ी के लिए फोल्ड हो जाएगा। और देखिए, जो चौड़ाई है वो हमें 25 इंच लेनी है, ये आप अपनी कमर के अनुसार ले सकती हैं। तो हमारा इसमें 4-5 इंच कपड़ा जुड़ेगा, तो वो हम एक सीधी पट्टी इसमें ज्वाइंट कर लेंगे सिलाई करते टाइम। तो ये बेल्ट कट गई। अब जो हमारा बाकी का बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से अब हम अपने पार्ट कटिंग करेंगे। तो देखिए, पार्ट आपको किस तरीके से कटिंग करने हैं। सबसे पहले आप कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कीजिए, 2 फोल्ड में, ठीक है। अब आपको जितने भी लेंथ के पार्ट रखने हैं उस हिसाब से आप निशान लगाइए। अभी देखिए, पार्ट हम लंबाई की साइड से निकाल रहे हैं ताकि जो हमारी सलवार है वो अच्छी घेरदार बन सके। तो इस तरीके से हमने 2 फोल्ड में कर लिया है, इसमें से हमारे दोनों पार्ट निकल जाएंगे। तो देखिए, जो हम पार्ट की लेंथ है, उस चौड़ाई है, वो हम जैसे 12 इंच रखेंगे, यानी कि फोल्ड होने के बाद 6 इंच रखेंगे, तो हमारा आएगा 12 इंच। उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 14 इंच। 14 इंच के बाद अब हम लेंथ देखेंगे। लेंथ हम रखेंगे 35 इंच, और जो हमारा कपड़ा बचेगा उसे हम बेल्ट में ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम यहाँ से ये कपड़ा कटिंग कर लेते हैं, इस तरीके से रख के इसको कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसे यहाँ से सीधा ही कटिंग कर देंगे, फिर बीच में से अलग कर लेंगे लेंथ देख के। आप भी कम कपड़े में से इसी तरीके से अपने पटियाला सलवार निकाल सकती हैं, लंबाई की तरफ से कपड़े को फोल्ड करने के बाद। अभी देखिए, पहले हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कपड़ा ले लेंगे, क्योंकि अगर हम अलग अलग कपड़ा निकालेंगे तो हमारा कपड़ा वेस्ट जाएगा। तो 35 इंच पे निशान लगा लेंगे। सलवार की जो लेंथ है वो 40 इंच है, तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 35। यहाँ पे हम इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे बिल्कुल। इसको कटिंग कर देते हैं। ये हमारा बेल्ट में जुड़ जाएगा। अब इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे, यहाँ से इसको अलग कर देंगे तो हमारे पास 2 पार्ट हो जाएंगे। जैसे 2 पार्ट लगते हैं और 4 कलियां लगती हैं। अब जब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारी, जैसे हमें अपनी मोहरी है वो 6 इंच की सिर्फ तैयार रखनी है। तो देखिए, हमें सिर्फ यहाँ तक अपनी मोहरी तैयार रखनी है, तो ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होगा इसमें। अब उसके बाद हमारा जितना भी कपड़ा बचा है उसको ऐसे हम 2 फोल्ड में बिछाएंगे लंबाई की साइड से, ताकि कले की चौड़ाई थोड़ी ठीक निकल आए। इस तरीके से लंबाई की साइड में बिछाने के बाद जितनी हमने आसन की लेंथ ली है 35 इंच, उतनी हम कलियों की लेंगे। तो हम आसन के लिए निशान लगा लेते हैं। जो लगाएंगे हम, जैसे 16 इंच का आसन अपना तैयार रखेंगे हम, तो हम यहाँ से लगाएंगे 8.5 इंच पे निशान, और 8.5 इंच पे ही हम उधर लगाएंगे इस वाले कोने पे। अब इंच टेप को हम इन दोनों पॉइंट से मिला के रख देंगे। देखिए, इस तरीके
यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से कली की लेंथ देख लेते हैं कितनी है। अगर थोड़ी बहुत ऊंची हो तो चलेगा। तो ये हमारी 33 इंच बैटरी है, 34 बैटरी है सॉरी। ये देखिए 34 इंच बैटरी, यानी कि 1 इंच कम है। जैसे पार्ट 35 लिए थे लेकिन इतना चलता है। अगर आपकी 2 इंच भी ऊंची हो, 3 इंच भी ऊंची हो तो भी चलता है, क्योंकि कली का ज्यादा इसमें वो नहीं है। और देखिए हम आपको एक चीज और बता देते हैं, अगर आपको यहाँ से चौड़ाई बढ़ानी है कली की इस वाली साइड से, तो आप कैसे बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए आपको 2 इंच बढ़ानी है, तो आपको इस तरीके से पहले ऐसे निशान लगाना होगा 2 इंच पे, फिर ऐसे। इस तरीके से जो कली की चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन हम कली की चौड़ाई इसमें नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम छोटी मोहरी बनाएंगे इसमें। अब यहां से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब जहां से मोहरी ये बंद है हमारी कली, वहां से हम कपड़े को खोलेंगे। आसन को खोलेंगे, आसन बंद है। जो बाकी का कपड़ा बचा है वो हमारा मोहरी में और उसमें काम आ जाएगा बेल्ट में। अब ये हमारी सलवार कटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने कम समय में हमारी सलवार कटिंग हो गई। उसके बाद इसकी स्टिचिंग करते हैं। अभी देखिए अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एक पार्ट ले लीजिए। तो देखिए हमने अपना एक पार्ट ले लिया है, और पार्ट की हमने सीधी साइड रख ली है। और अपनी एक कली लेंगे, और जो कली की लंबाई वाली साइड है आसन को साइड निकाल दीजिए, और जो कली की सिर्फ लंबी साइड है उसको रखिए, और यहाँ पे ऐसे उल्टी साइड से सिलाई लगाइए। यानी कि ये दोनों सीधे पार्ट हो गए और उल्टी साइड ये हो गई, और सिलाई लगानी है देखिए इस तरीके से। और एक पार्ट में दो कली हमको ज्वाइंट करनी है, तो ये हम कली इसमें ज्वाइंट कर लेते हैं नीचे तक। तो देखिए हमारी जो कली है वो पार्ट से इतनी ऊंची आ रही है, जैसे हमने आपको बताया था थोड़ी सी ऊंची होगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी 2 या 3 इंच भी ऊंची है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सलवार आपकी अच्छी ही बनेगी। अब देखिए एक साइड कली ज्वाइंट कर ली है, अब दूसरी साइड ज्वाइंट करेंगे। कली लेंगे और उसको रखेंगे इसके ऊपर। अब की बार भी कली को ऐसे ही सीधी साइड से सीधी साइड मिलाकर और उल्टी साइड से उल्टी साइड मिलाकर रखना है। और जब भी आप सिलाई स्टार्ट करें तो थोड़ा सा यहाँ से डबल कर लें, क्योंकि जब प्लेटें डालते हैं तो ये खुलनी नहीं चाहिए ये हिस्से। और देखिए सिलाई को एक सीध में ही चलाना है आपको। अभी देखिए ये भी कली हमारी जुड़ के तैयार हो गई। ये भी हमारी इतनी ही ऊंची है। अब हम दूसरे जो पैर की है उसको सेम ऐसे ही जोड़ लेंगे, जैसे ये बताई है अभी जोड़ना। अब दोनों पार्ट को हमने जोड़ के बराबर रख के सीधी साइड से सीधी साइड मिला के और इनका आसन जॉइंट करेंगे दोनों साइड से। इस तरीके से पहले एक सिलाई लगाएंगे। आसन दोनों बराबर होने चाहिए। कपड़े को उल्टा कर सॉरी सीधा करके एक सिलाई इसके ऊपर से लगाएंगे, और फिर जो दूसरा आसन होगा उस पे सेम ऐसे ही करना है। अब की बार थोड़ा सा एक पॉइंट हटा के सिलाई लगानी है। तो हमारा ये आसन तैयार हो चुका है। अब दूसरे आसन को तैयार कर लेंगे ऐसे ही। अभी दोनों आसन ज्वाइंट करने के बाद बेल्ट को तैयार करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था इसमें हमें कपड़ा ज्वाइंट करना है, तो ये हमने एक 5 इंच चौड़ा कपड़ा ले लिया है,
और उसको हम इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और सीधी सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर, फिर पलट के इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे जॉइंट लगाने के बाद अब हमने कपड़े को उल्टा कर लिया है, अब उल्टी साइड से हम करीबन आधे इंच के बराबर कपड़ा सिलेंगे। अब सिलने के बाद 1 इंच के बराबर कपड़ा छोड़ देंगे हम, ऐसे खींच के धागे को इस तरीके से हटा के ऐसे रखेंगे मशीन को, और सीधी सिलाई लगा देंगे। अभी जो मैंने कपड़ा धागा छोड़ा था उसको कट करेंगे इस तरीके से खोल के, और दोनों साइड को सिलाई लगाएंगे, इस साइड को भी और दूसरी साइड को भी। अभी देखिए दूसरी साइड भी हमारी सिलाई लग चुकी है, धागों को कट कर देंगे। फिर देखिए ये इस तरीके से हमारा अब ये नेफा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड रखेंगे और इसको इस तरीके से रख के, देखिए ये डोरी डालने वाली जगह बन जाएगी, और यहाँ से इसको ऐसे सिलाई लगानी है। अब इसके ऊपर पहले यहाँ से लगा लीजिए, फिर ऐसे ही कपड़े को आपको बराबर बराबर करते हुए चलना है। ये देखिए इस तरीके से, और पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। अभी देखिए हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है, ये हमारी डोरी डालने वाली जगह है, यहाँ से लास्टिक डोरी जो भी डालना चाहती हैं आप देख सकती हैं कि बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको खोलेंगे और सेंटर करेंगे इसका, इस तरीके से खोलने के बाद यहाँ पे सेंटर पे निशान लगा के छोटा सा कट लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हमें देखना है कि हमें प्लेटें कितने इंच तक डालनी है, तो इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से लगाएंगे हम 13 इंच पे निशान, 12 या 13 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे, यहाँ तक हमारी प्लेटें आएंगी, और यहाँ पे भी कट लगाएंगे और अब प्लेटें डालना चालू करेंगे। सबसे पहले देखिए बेल्ट को नीचे रखिए और दोनों सीधी साइड मिला लीजिए आपस में, बेल्ट की भी और आसन की भी। तो देखिए हमने ये दोनों डोरी डालने वाली फ्रंट साइड और आसन की फ्रंट साइड दोनों मिला ली हैं। अब हम यहाँ से इसको इस तरीके से रखेंगे और इसमें प्लेट डालना चालू करेंगे, इस तरीके से खोलेंगे कपड़े को, और प्लेटों का रुख है वो इस साइड आएगा, दूसरी साइड, क्योंकि आमने सामने इनकी प्लेटें होंगी। इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे ऐसे प्लेट डालनी है आपको, देखिए इस तरीके से पकड़ना है और ऐसे प्लेट डाल देनी है। और प्लेटें आपको 1.5 1.5 इंच के बराबर डालनी है, अगर 3 इंच सॉरी 3 मीटर कपड़ा है तो आप 2 2 इंच की या 2.5 2.5 इंच की भी प्लेट डाल सकते हैं। और अच्छे से कवर करते हुए हमें ये प्लेटें डालनी है, बिल्कुल एक ही मात्र यानी कि एक ही सीध में डालनी है। और हमें उस कट तक ही लेके चलना है जो हमने अभी कट लगाया था।
अभी देखिए हमारे यहाँ तक पूरी प्लेट आ चुकी है इस कट तक। अब थोड़ा सा कपड़ा हमारा बच गया है तो उसकी एक हम रैक में डाल देंगे प्लेट, और इसको सीधा सिलना है। ज़्यादा नहीं बचा है, बस एक प्लेट के छोटा सा चुन्नट के बराबर, क्योंकि वहाँ पे डालते तो प्लेट का जो, और देखिए ये सेंटर का आसन है जो हमने दिखाया था आपको, ये सेंटर का आसन है और ये बैक का आसन है, दोनों मिल गए ना आपस में, बिल्कुल आपस में मिलने चाहिए। थोड़ा सा कपड़ा है, ज़्यादा नहीं है, उसको हम यहीं पे एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि इसमें बैग में प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जितना कपड़ा हमने इधर से सिला है उतना ही कपड़ा हम यहाँ से सिलेंगे। पहले हम नाप लेते हैं हमने कितने कपड़े के ऊपर सिलाई लगाई है, क्योंकि कपड़ा कम था और बेल्ट ज़्यादा थी, तो ये हमने 15 इंच पे लगाई है, तो 15 इंच पे इधर लगाएंगे। अभी देखिए वो कपड़ा सिलने के बाद जैसे आमने सामने हमें सिलाई और प्लेटें डालनी है, तो इनका मुंह मैं अपनी साइड को करूँगी इस तरीके से। इनको भी बिल्कुल प्लेट के अंदर प्लेट रख के आपको जैसे हमने उस साइड लगाई है ऐसे ही इनको भी डालना है। अभी देखिए दोनों साइड हमने प्लेटें डालनी हैं। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर और सीधा करके। अभी देखिए मोहरी बनाएंगे, तो ये हमने पेपर पेस्टिंग ली है जिसकी हमने चौड़ाई 2.5 इंच ली है और लेंथ उससे 2 या 3 इंच ज़्यादा ली है। अब हम क्या करेंगे कि अपना बॉटम लेंगे सलवार का और उसको ऐसे सीधा रखेंगे, और इस पट्टी को 1.5 इंच इधर निकाल के और 1.5 इंच इधर निकाल के एक सीधी सिलाई लगा लेंगे सीधी साइड से, इसको उल्टा रख के। अभी देखिए ये सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस कपड़े को इस तरीके से ऐसे फोल्ड करके उल्टी साइड को, और यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगाएंगे, और इस सिलाई को हम जितनी भी मोहरी की लंबाई है वहाँ तक लगा के तैयार करेंगे। अभी देखिए ये एक सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी सिलाई लगाएंगे, उसको हम 2 पॉइंट की दूरी से लगाएंगे, और इसको भी हम सीधा ही लगा देंगे। अभी देखिए ये सिलाई लगाने के बाद अब इसमें हम कोई भी लहरिया या कुछ भी जिग जैग बोल सकते हो कुछ भी, उस हिसाब से इस तरीके से बना लेंगे। देखिए ऐसे आपको मशीन को नहीं उठाना है, कपड़े को घुमाना है बस, ऐसे जैसे जैसे आपको डिजाइन बनाना है उसी तरीके से आपको अपने कपड़े को घुमाना होगा, और फिर उसके बाद फिर से एक सीधी सिलाई, फिर से जिग जैग, यानी कि आप अपनी पसंद से अपनी मोहरी में कोई भी डिजाइन बना सकते हो। तो यहाँ से हम इस मोहरी को कंप्लीट कर लेते हैं। अभी देखिए हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम मोहरी को फोल्ड करेंगे, और देखिए अब आप जितनी भी चौड़ी मोहरी पहनती हैं इस तरीके से, हमने दूसरी मोहरी को भी सेम तरीके से बना लिया है जैसे हमने आपको इसको बनाना बताया है। अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे, जो लगाएंगे हम 6 से 6.5 इंच तक इस तरीके से, और ऐसे आपको सिलाई चलानी है इस तरीके से, यानी कि आपको बिल्कुल सीधी सिलाई नहीं चलानी है। और अपने आसन तक लेके चलना है, आसन दोनों मिलने चाहिए, यानी कि छोटा या बड़ा आसन ना हो। अब थोड़ा सा कपड़े को कम कर देंगे, और ये हमें पूरे आसन पे ही लगा, सॉरी पूरी दोनों साइड लगानी है, दूसरी मोहरी को बिल्कुल सेम नाप के तैयार कर लेंगे अब पूरी सलवार को। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी सलवार बनके तैयार हो चुकी है, और आप देख सकती हैं कि कितने कम कपड़े में से हमारी ये घेरदार सलवार बनके तैयार हुई है, और हम आपको इसे ज़रूर पहन के दिखाते लेकिन ये किसी और की है इस वजह से हम नहीं पहन सकते। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये सलवार ज़रूर पसंद आएगी, इसका तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और बैक पे भी बहुत अच्छा लुक आया है, यानी कि जैसे हम पहनते हैं तो पीछे चूड़ियाँ पड़ती हैं उस तरीके से बहुत अच्छा लुक आया है। और ये इसके साथ की कुर्ती है जिसका वीडियो हमने नहीं बनाया है, क्योंकि हमने बहुत सारी कुर्तियों के वीडियो अभी जल्दी ही अपलोड किए, तो हमने कई कुर्तियां ऐसे ही सिल दी बिना वीडियो के ही। अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।